आपको 2019 का आगाज क्या क्या सवाल रहेंगे सरकार? देखिए, सवाल तो इतने हैं क्योंकि जितना इन्होंने सवाल लोगों के सामने रख करके चुनाव लड़ा था 2014 में, मैं समझता हूँ वो सारा सवाल आज जिंदा है, चाहे वो अच्छे दिन के सवाल हो, चाहे 15 लाख रुपए का जो था कि खाता में आपका जवाब हो, सवाल था कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, सवाल था कि खाने की चीज़ों के दाम घटेंगे, सवाल था कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे, सवाल था कि सिलेंडर गैस सिलेंडर के दाम घटेंगे। आज ये सब आसमान छू गए, आज तक की आज़ादी के रिकॉर्ड सब ब्रेक कर गए मोदी जी के राज। सवाल था कि हम शांति व्यवस्था लाएं, आज 4 बरस से पूरा देश जो है वो तनाव में गुजर रहा है। सवाल था कि आर्थिक तौर पे हम देश को स्वावलंबी बनाएं, चाहे वो नोटबंदी सबसे बड़ा जो इनका स्कैंडल हुआ है, पूरे जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल शायद ही हम लोगों ने देखा होगा जो मोदी जी का नोटबंदी है। जितने ब्लैक मार्केटियर थे सबके पैसा इन्होंने वहन कर लिए। आप बताइए कि अमित शाह का एक बैंक 13,000 करोड़ रुपया कैसे 5 दिन के अंदर जो है वो कैश करा दिया लोगों का पुराना नोट, जबकि 3-4 हज़ार रुपये का लोग लाइन लगा करके नोट चेंज करते थे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं और एक बैंक का नहीं, गुजरात के जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं उसकी ये कहानी जो आज सामने आई। इनका बेटा जो है वो 16,000% जो है प्रॉफिट कर लेता है, ये कौन सा टेक्नोलॉजी था जो दूसरे लोगों को नहीं आज तक पता चला? तो भ्रष्टाचार विफलता, प्रशासनिक विफलता, सामाजिक विफलता, आर्थिक, आज पूरा व्यवसायी समाज जो है टूट त्रस्त हो गया, बाजार में पैसा नहीं, बैंक से इनके लोगों ने पैसा लूटा और गरीब को पैसा आज बैंक से मिल नहीं रहा, कोई इंटरटेन बैंक वाला नहीं करता है आज। ये सारा जो त्राहिम आम है, ये सब सारे सवाल ही तो रहेंगे 2019। अभी अमित शाह आए थे सरकार के बीच थपथपा रहे, तो कह रहे थे कि केंद्र द्वारा पहली बार झारखंड को इतना बड़ा पैकेज दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि भगवान उनको सुबुद्धि दिए हुए है, इसीलिए वो पीठ थपथपा के गए हैं। हम भी चाहते हैं कि 5 बरस रघुवर ही रहे यहाँ, कि उसके बाद जो है इनका जो है अर्पण तर्पण सब पूरा ही होता है।